जो डिटेंशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं मैम, जो जो सरकार अभी केंद्र में है वो डिटेंशन सेंटर के जो बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कई जगहों पर कुछ भी नहीं है, ऐसा इस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है मैम, सरकार ये तक कह रही है। बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि डिटेंशन नाम का सिर्फ एक अफवाह फैली हुई है, लेकिन मैम जो इंसान 30 साल आर्मी को दे चुका है और डिटेंशन सेंटर में रह के आया है उसका बयान आया है मैम, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्मी के ऑफिसर के ऊपर तक? ये तो आप पूरे देश को मालूम है उस आर्मी के ऑफिसर के साथ क्या हुआ, ये सबको मालूम है। वो छूट के आए, उन्होंने अपना बयान भी दिया, उन्होंने फिर भी अपने देश के कानून और अपने देश के संविधान के ऊपर बहुत विश्वास जताया उन्होंने, जिनके आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सरकार कह रही है कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो जो सरकार सिर्फ झूठ पे चलती है उनकी इस बात पे हम यकीन कैसे कर लें? बजट तो सरकार ने ही दिया डिटेंशन सेंटर बनाने का, तो वो कागज़ों से गायब तो नहीं हो जाएगा, वो तो बजट है। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्च में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, दिसंबर में पूरा होना था, तो वो तो ग्राउंड लेवल से बयान दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये सेंटर है। तो डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं ये आज का सच है, नरेंद्र मोदी कहें नहीं बन रहे हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। और इसीलिए झूठ पे चलने वाली सरकार की किसी बात को हम नहीं मानते। जब इनसे कहा गया 15 लाख रुपये हमारे कहाँ हैं, आपने प्रॉमिस किया, तो अमित शाह का बयान था ना, वो चुनावी जुमला था। जब इनसे कहा गया कि 2 करोड़ हर साल में आपने रोजगार देने थे, तो 10 करोड़ कहाँ है, आपने तो जनाब नोटबंदी से 5 करोड़ लोगों की रोजगार ले ली, आपने तो 10 करोड़ रोजगार देने थे, वो तो आए नहीं, 5 करोड़ जो काम कर रहे थे उनकी रोजी रोटी चली गई। तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं, उन्होंने कहा ये सब झूठ है, रोजगार तो बढ़ गए हैं। जब चुनावों के दौरान कहा गया कि 45 साल में वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ है, इन्होंने कहा यह सब झूठ है, कुर्सी पर दोबारा बैठते ही वो रिपोर्ट छाया हुई, वो सच निकला, ठीक है। और इन्होंने कह दिया सारा विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो इसलिए झूठ पे बोलने वालों पे यकीन नहीं हो सकता। ये डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, ये नाजीवाद फासीवाद के फलसफे में यकीन रखते हैं, और उसी तरीके के डिटेंशन कैंप वहाँ यूरोप में बनाए थे हिटलर ने, और उसी फलसफे को लेते हुए यहाँ पर उसको अगर इन्होंने क्रियान्वयन करना है तो डिटेंशन सेंटर बनाने हैं। हम ये कहेंगे कि ये तो समझ रहे थे कि 19 लाख के करीब जो NRC में कवर नहीं हुए हैं वो तो शायद माइनॉरिटीज़ के ही लोग होंगे, पर इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा, 4 लाख उसमें सिर्फ मुस्लिम्स थे, बाकी सारे के सारे हिंदूज़ एंड अदर्स थे। तो ये इनके सामने आ गया, अब उसके बाद ये तड़प रहे हैं, इसीलिए ये CAA भी उठा के लाए हैं, क्योंकि जिस पॉलिटिक्स को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पॉलिटिक्स में डिटेंशन सेंटर उसका लाजमी पार्ट है, और उसको इन्होंने बनाना शुरू किया है। इनकार करने से क्या होता है, क्या लगता है मैम डिटेंशन सेंटर में क्या होता होगा आपके हिसाब से? हाँ, मैं तो जर्मनी गई हुई हूँ, मैं पोलैंड भी गई हुई हूँ, मैं ऑस्ट्रिया भी गई हुई हूँ, इन देशों में जब मैं गई तो मैं अपना पूरा इतिनेरी जो था, जो प्रोग्राम था, उसमें मैंने ये ज़रूर रखा कि मैं डिटेंशन सेंटर में जाऊँगी। तो मैं सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर्स को देख के आई हूँ, उन डिटेंशन सेंटर्स के अंदर किस तरीके से गैस चैम्बर्स थे, लोगों को लाखों की गिनती में वहाँ मारा गया, और किस तरीके से अगर SSS का कोई ऑफिसर जब आते थे उस जेल के अंदर, और अगर किसी की पत्नी ये बोल देती थी कि ये वाला जो कैदी है इसका सोने का दांत है, ये खोल चढ़ा हुआ है, मुझे ये चाहिए, अगर वो बोल देती थी कि मुझे इसकी चमड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे इसकी चमड़ी का पर्स चाहिए, मैं वो देख के आई हूँ। आज भी उन जगहों के ऊपर जो म्यूजियम्स बने हैं उनके अंदर उन हालात को प्रिजर्व रखा है जर्मन लोगों ने, और वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को सबक दे रहे हैं कि नाजीवाद फासीवाद जो हिटलर ने चलाया वो मानवता के बहुत घोर विरुद्ध था, ये कभी नहीं होना चाहिए, वो मैं देख के आई। तो डिटेंशन सेंटर्स में तो लोगों को तसीहे दिए जाएंगे, मारा जाएगा, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और जिसकी चमड़ी का पर्स बनाना है ये माना जाता है मेडिकली कि उसको जिंदा रहते हुए चमड़ी उतारोगे तो उसकी चमक रहेगी, ये किया गया वहाँ। और आप एनेस्थीसिया दे के दांत नहीं निकालोगे, क्योंकि SS ऑफिसर हैं जो हिटलर के होते थे, उसकी पत्नी को वो तुरंत चाहिए दांत, इसलिए उस शख्स को सामने खड़ा करके उसको क्लिप से उसका दांत खींचिए, छोटी सी दांत की दर्द में रात भर हम सोते नहीं हैं,
उन कैदियों के साथ क्या हुआ होगा, आप ये सोच लीजिए। ये कहेंगे हम तो बहुत बड़ी महान सभ्यता है, तो इस महान सभ्यता को तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम अगर कह रहे हो हम महान सभ्यता है, इसमें कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम स्वयं सेवक हैं, हम तो जनता की सेवा में यकीन करते हैं। ये थोथली बातें हैं। अगर ये महान सभ्यता है तो उसको तोड़ना बंद करो भैया, उसकी डाइवर्सिटी को समझो, उसकी हेट्रोजेनिटी को समझो। मैं पूरा देश घूमती हूँ, एक तिलक वाला भी हिंदू है, एक तिलक के ऊपर चंदन की बिंदी लगाने वाला भी हिंदू है, दो चंदन, तीन चंदन, चार चंदन वाला भी है, चार चंदन के टिक्के वाला भी है, और जो कुछ नहीं लगाता सिर्फ यहाँ बिंदी लगाता है वो भी हिंदू है, जो कोई सी भी बिंदी नहीं लगाता है वो भी हिंदू है। हिंदू कौन है इस देश के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर डाइवर्सिटी है, और ये तो मानते नहीं कि हिंदुओं की भाषा तमिल भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, उड़िया भी हो सकती है, मलयाली भी हो सकती है, कन्नड़ा और गुजराती भी हो सकती है, उड़िया के साथ साथ बांग्ला भी हो सकती है, असमिया हो सकती है, मणिपुरिया हो सकती है, ये तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो इनको तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, सोच क्या है, ज्योग्राफी क्या है, भाषाएं क्या है, डायलैक्ट्स क्या है, दे नो नथिंग। और अगर इनको पता है तो ये जानबूझ करके इस बिखराव को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि पहले 5 साल में तो लोगों को समझ में नहीं आया, और शुक्रिया अदा करना चाहिए स्टूडेंट कम्युनिटी का। स्टूडेंट कम्युनिटी तब भी मैदान में आई, वर्कर आए, फार्मर्स आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, हम सब लड़े, पर विद्यार्थियों ने सबसे ऊंचा झंडा बुलंद रखा, और इसकी सेकेंड टर्म के अंदर डिफेंस एम्प्लॉयज ने हड़ताल की, कामयाब, कोल वालों ने हड़ताल की, रेलवे वालों ने, डिफेंस प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज ने जिसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहते थे उन्होंने हड़ताल की। 8 जनवरी को श्रमिक हड़ताल पे जा रहे हैं, किसान ग्रामीण बंद की भारत कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन लाइमलाइट में क्या है कि बच्चों ने हिम्मत दिखाई है, इन्होंने पीटा, उन्होंने दबाने की कोशिश की, जामिया में की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की, पूरे देश के विद्यार्थी इनके साथ खड़े हो गए, इन्होंने सारे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, हमारे देश का युवा खड़ा हो गया कि यह हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, CAA और NRC का विरोध करना, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम कर रहे हैं। उस यंगर जनरेशन ने बड़े सोए हुए लोगों को जगाया है, और आज मैं देख रही हूँ, हम लोग तो मैदान में थे, ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी हम मैदान में थे, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, लेकिन हमने आप देख रहे हैं कि बरसों से जो आराम से सो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, बोल नहीं पाते थे, डरते थे, उनको समझ में आया कि ये नौजवान बच्चे जब डर नहीं रहे हैं हमें किस बात का डर है। तो युवा पीढ़ी ने एक बार फिर हिंदुस्तान में ये दिखा दिया है, और स्टूडेंट से शुरू हुआ है, JNU को सलाम की वो आंदोलन किए, और आज जामिया को भी सलाम की उन्होंने मैदान में उतरे, AMU को भी सलाम, और हिंदुस्तान भर की उन सब यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को सलाम है कि उन्होंने इस लड़ाई को एक नए मुकाम पर पहुँचाया है। अब मोदी और अमित शाह की ये जो दुखी है ना, ये दुखी कर ले जो इनको करना है, ये सैलाब थमने वाले नहीं है, ये काफिले तो अब बढ़ते ही चले जाएंगे, लड़ाई तेज होगी।